याक को साथ लेके अभी वापस आ रहे हैं। ये बद्री से रिटर्न आने का रास्ता है, आना जाना एक ही रास्ता है, जो कितना सुंदर रास्ता है। ये देखिए गंगा जी कहाँ पीछे बह रही है, पहाड़ भी देखिए कैसे। तो रास्ता की वीडियो में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, जिस रास्ता से हम गुजर के जाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि यात्रा कैसे भी हो। ये देखिए माउंटेन्स और वो बादल जैसे आर्ट किया हुआ जैसे लग रहे हैं, एक शो पीस जैसे। ये जगह देखिए कितना सुंदर, जैसे पूरा पेंटिंग किया हुआ है ऐसे नजर आए। ये पत्थर को कैसे खोद के रास्ता निकाला गया है। तो रास्ता का मैं इसीलिए वीडियो इतना ज़्यादा बना के रखती हूँ। तो अच्छा ये दूसरा आ गया, ये इधर ट्रैफिक बहुत जाम था तो गाड़ी रुक गई थी। ये देखिए पहाड़, पहाड़ में झरना, काम हो रहा है ना इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हम ये कह रही थी रास्ता का मैं इतना वीडियो इसीलिए बनाती हूँ, एक तो उसका सौंदर्य को हम रिटर्न आने के बाद भी आस्वादन करते रहे, देख देख के याद करते रहे। बाकी जैसे हम जैसे साउथ से आए हैं हिमालय, और हम कितना बार वापस जा सकते हैं ऐसे जगह पे। तो खाली मंजिल नहीं, जो मंजिल तक जो पहुंचने का रास्ता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना बद्री केदार इम्पोर्टेंट है। उधर की जाने का रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो रोड का इसीलिए मैं हर जगह रोड का ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बना के रखती हूँ। ये देखिए गंगा जी कितना नीचे चली गई है। ये यात्रा में ऐसे होता है ना, हमारा रोड ग्राफ जैसे हो जाता है, तो कभी गंगा जी के पास आ जाते हैं, कभी हम ऊंचे पहाड़ के ऊपर चलते हैं। मगर ये सुंदरता रास्ता का जो है हम यात्रा में मिस कर जाते हैं, इसीलिए मिस कर जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि देखिए रास्ता चल रहा है ऐसे लग रहा है जैसे हम नहीं जा रहे हैं, रास्ता जा रहे हैं, ऐसे मिस कर जाते हैं। तो एक तो हमारा डर है, डर इतना लगने लग जाता है ना ऐसे रास्ते में, तो हम प्रकृति को देखते ही नहीं है कभी कभी। तो इस सुंदरता में दिखता ही नहीं है डर की वजह से। तो हमारा अटेंशन पूरा ड्राइवर के ऊपर होता है, पता नहीं वो कैसे गाड़ी चलाता होगा, उसको चलाना आता भी है या नहीं, कहीं वो खड्डा में तो नहीं डाल देगा। ऐसे डर डर के हमारा नज़र ड्राइवर के ऊपर होता है और रास्ते के ऊपर होता है, और इतना सुंदर चीज़ हम मिस कर जाते हैं। तो मैं तो देखती भी हूँ, खूब सारे वीडियो भी बना के लाती हूँ, और बाद में उसको बहुत बार देखती रहती हूँ। इस एंगल्स में देखिए तो कितना सुंदर लगता है बद्री की। इस रास्ता में एक तो ये है कठिनाई, ये है पत्थर को खोद खोद के रास्ता बनाया गया है जो कभी भी वो टूट सकता है, इसीलिए पत्थर बहुत गिरते रहते हैं, रोड ब्लॉक बहुत होता रहता है। ये देखिए माउंटेन रेंज के उसका कितना सुंदर लग रहा है। तो एक एक जगह बहुत यूनिक लगता है। हाय हाय हाय, ये वैली देखिए कितना सुंदर, बाप रे, भगवान भी कितना पुरुषोत्तम में बैठ के बनाए होंगे। जो बीच बीच में जो ग्रीनरी है वो भी कितना सुंदर लग रहा है। काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले तो कठिन था। ये देखिए माउंटेन के साथ वो पेड़
पेड़ जैसे आर्टिफिशियल रखा गया है वैसे दिख रहा है, जैसे शार्प शार्प माउंटेन्स है और पौधा भी पेड़ भी ऐसे शार्प शार्प है, कितना सुंदर है। ऐसे तो पेंटिंग ही लग रहा है, नेचुरली नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है हाँ गंगा जी के पास अभी हम पहुंच गए हैं, अब देखो हम गंगा जी से कितना ऊपर पहुंच गए हैं। ये ग्राफ ऐसे चलते हैं, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं कभी नीचे चढ़ जाते हैं, फिर हम नीचे आ गए गंगा जी के बिल्कुल पास में। बेरी अलकानंदा कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए पत्थर पूरा मुंह खोल के ऐसे खड़ा है, जैसे अब गिर जाएगा तब गिर जाएगा, तो यही तो डर लगता है। देखो पूरा पत्थर कैसे कैसे पड़ा है और गिरता भी है, इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, पत्थर गिरने का भय है और पत्थर गिरता भी है और सफाई भी होता रहता है। देखिए कैसे पूरा ब्रेक आया हुआ है, ब्रेक 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 ऐसे, इसलिए ज़्यादा डर लगता है इधर। और बाकी प्रकृति को देखो तो आनंद ही आनंद है। ऋषिकेश से बद्री तक हमें पंच प्रयाग मिल जाते हैं, मतलब पांच प्रयाग नदियों की संगम हमें मिल जाती है। जो बद्री से आते समय अभी हम आ रहे तो हमें मिल रहा है, ये पहले मिल जाती है विष्णु प्रयाग, ये है विष्णु प्रयाग। इधर धौली नदी और अलकानंदा जी का संगम हो जाती है। तो ये विष्णु प्रयाग इसीलिए है, जो अलकानंदा नाम है ना ये इधर से शुरू हो जाती है। इससे पहले अलकानंदा जी का नाम है विष्णु गंगा, क्योंकि वो बद्री से आती है तो उनको विष्णु गंगा कहते हैं। तो इधर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलके फिर वो बन जाते हैं अलकानंदा। तो ये घाट में पहले उतरते समय हमें मिल जाता है विष्णु प्रयाग, फिर मिलेगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकानंदा दो नदी का संगम है। ये मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, नंदाकिनी हमें मिलती है इधर बद्री घाट में, ये दोनों के संगम है वो नंद प्रयाग। फिर मिलेगा कर्ण प्रयाग, फिर मिलेगा हमें तो आते समय हमने देखा है रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसको हिमालय में पंच प्रयाग कहते हैं। गंगा जी का जो मेन धारा अलकानंदा में एक एक नदी मिल जाते हैं ना, उसको ही प्रयाग कहते हैं। और प्रयागराज तो पता ही है, जो जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं वो लास्ट प्रयाग है। ऐसे फर्स्ट प्रयाग विष्णु प्रयाग कहते हैं, मगर उससे भी पहले माणा गांव में अलकानंदा, मतलब जो अलकापुरी से आ रही है और इधर से जो सरस्वती नदी है, इनका संगम पहले हो चुका होता है, उसके बाद आता है विष्णु प्रयाग और जो बाकी पंच प्रयाग। और ये रास्ते में होते हैं ये सब रक्षक है, जो यात्रियों की घाट में जो यात्रा कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए जो देवता होते हैं। इनकी छोटे छोटे मंदिर हर घाट में बनाया हुआ होता है, कई जगह इनको भैरव जी भी कहते हैं, कई जगह चामुंडी का भी ऐसे मंदिर होते हैं। तो घाट में यात्रा करना बहुत कठिन होता है, कभी भी रिस्की हो सकता है, इसलिए एक शक्ति का सहारा लेके यात्री लोग हर समय यात्रा करते रहते हैं। इधर तो पत्थर ऐसे छाता जैसे खड़ा हुआ है, जहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर गिरता है इधर ऐसे मेश डाल दिया है। ये सीजन में ये फूल बहुत ज़्यादा खिला हुआ है ब्लू कलर का और बहुत सुंदर लगता है रास्ते में ये। ये जगह में कंटिन्यूस पत्थर गिरता ही रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गिरता है ना, तो आजकल उन्होंने टनल ही बना दिया है, जो भी पत्थर गिरे टनल के ऊपर गिर के नीचे चले जाए, तो रास्ता बचाने के लिए ऐसे टनल बना दिया है, नहीं तो बहुत पत्थर स्लाइड होता रहता है। चलिए अभी बहुत बोल दिया, अभी आगे मिलते हैं देवप्रयाग में।